तो अब मैं जा रहा हूँ 13 प्रो मैक्स की टेस्ट ड्राइव देने। अभी तक मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं किया था यार। भाई का रिएक्शन चेक करो यार, तो कैसे देख रही है। गजा हाइट एंगल तो बहुत ज्यादा सेक्सी है आईफोन 13 प्रो मैक्स का। वो कहाँ डाल दी भाई 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 चाचा, वाह बेटा पावर मैन, मतलब मैं सेक्सी है यार। नहीं आ चुका है आजकल, ये ब्लॉगिंग कर रहा है 13 प्रो से। तो बता मुझे गाइस, मैं तो रुका नहीं, मैं तो तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियाज सैम। तो आयो सब कैसे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, बिंदास हो गए। तो आपका भाई भी एक नंबर बिंदास है, फुल पावर। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, जा रहा हूँ देन गाइस, आज हालत ना बिल्कुल खज्जल हो रही है। देन गाइस थोड़ा सा काम करना था अपने जाने मन में, तो जाने मन में काम हो चुका है एक नंबर। तो जाने मन में फुल सेक्सी हो चुकी है, राइड के लिए भी काफ़ी काम करा रहे हैं ना। तो हम लोग मतलब डेली कुछ ना कुछ करा रहा हूँ मैं जाने मन में, ताकि जाने के टाइम पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। नाराज है कि मिलने रहो कोई चक्कर नहीं है गाइस, आज मिलते हैं उससे भी हम। और यार रस ना बहुत लग रहा है हल्द्वानी में, बहुत ज़्यादा रस लग रहा है आजकल ना, बहुत ज़्यादा ही रस। बाकी शाम के टाइम में ना बड़े मज़ा आता है बाइक में। जाम में तो हम रुकने वाले नहीं, तो मैं बता नहीं चाहिए गाइस। बाकी जाने मन थी सेक्सी है कि मैं क्या ही बोलूँ, ये तो बस कहती है कि बस मुझे निकालो, मुझे निकालो, मैं कहीं रुकने वाली है गाइस। चेक करो गाइस, क्यूट गर्ल का रिएक्शन चेक करो। वो कहाँ डाल दी भाई 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 चाचा, वाओ बेटा पावर मैन, मतलब मैं सेक्सी है यार। इसके बारे में जितना बोलो ना उतना कम है। देन गाइस अभी कोई मेरे पीछे होता ना, तो वो मतलब जैसे रिएक्शन कैप्चर नहीं कर रहे होते, वो रिएक्शन कैप्चर कर रहा था ना, तो क्या ही सीन बनते। बाकी बुलट वाले भाई की आवाज़ ना बड़ी गंदी लग रही है, पट 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 कर उससे आगे निकलता हूँ। और आजकल तो ये गाय ना भयंकर बीच में ही खड़ी है, वो ऐसे कोई चक्कर वो भी सिलेंडर में लगा रखी है। काफ़ी दिनों के बाद मैं सोलो व्लॉग बना रहा हूँ, अकेला हूँ बिल्कुल, अकेले कोई भी नहीं है मेरे साथ। मैं तो पुराना वाला सैम बनना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं मतलब तो ना लोगों के साथ रह रहा है कि बहुत चेंज सा हो गया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि चेंज हूँ, बट ना और ना मेरे को बहुत कमेंट आते कि सैम भैया आप ना पहले वाले आओ यार, पहले वाले ना वो अकेले। तो उस चक्कर में ना मैं आजकल अकेले ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका फर्स्ट डे आ गया है कि मैं अकेले निकला हूँ ब्लॉगर के साथ। तो मैं अभी जा रहा हूँ जॉब से घर, और बड़े बंदे मुझसे पूछते कि आप ब्लॉगिंग किससे करते, ब्लॉगिंग किससे करते। भाई यार मैं मतलब कुछ बोलने वाला हूँ, इतने में ऑटो वाले भाई ने कट मार दी। तो आपका भाई ब्लॉगिंग करता है अपने मोबाइल फ़ोन से। देन गाइस अभी मेरे आगे हेलमेट नहीं है, अपना मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है, कोई कैमरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम फ़ोन से करता हूँ मैं। बाकी आप लोगों ने मेरे को फ़ोन से इतनी मैं सपोर्ट करते थे, मैं क्या नहीं जल्दी ले लूँगा मैं भी कैमरा वगैरह। अभी तो उतना लग रहा है नहीं, कैमरा ले लूँगा कि कोई मर्जी कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है। इसलिए दूसरे को समझाने से अच्छा है कि तुम खुद देख के चलो, खुद सावधानी से चलो, ना तो तुम ही बचोगे, बाद में गलती भी तुम्हारी कहलाई जाएगी। क्योंकि मोटर ब्लॉगरों की ज़िंदगी ऐसी है भाई, गलती नहीं होने के बाद भी सुनते हैं बंदे। अगर शॉप खुली होगी ना तो मैं उससे मिलवाता हूँ, बहुत दिन से वो भी नहीं आया वीडियोज़ में, तो मेरे को बोल रहा था भाई मिल ले, तो मैं कहता चल ठीक है। तो शॉप तो खुली है भाई की, बैठा हुआ है वो, बैठा हुआ देखो डकैत। यहाँ रोड में लगाऊँ तो ये हमारे अपने भाई की शॉप है, खलीम भाई की, हल्द्वानी मोबाइल्स।
मीट माय फ्रेंड कलीम, बहुत दिनों के बाद मिला भाई अपना। बहुत दिनों के बाद कहाँ मुझे मिलता हूँ। रोज़ तो तुम मुझे मिलते हो ना, मेरी फैमिली वालों को थोड़ी ना मिलते हो। सही बात है नहीं है यार। कहीं नहीं, जॉब से आया हूँ, अब जा रहा हूँ घर को। हैं तो अब मैं जा रहा हूँ 13 Pro Max की टेस्ट ड्राइव देने। अभी तक मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं किया था यार, मैंने कैमरा स्टार्ट ही नहीं किया था और मैं व्लॉगिंग करके आ गया, खतरनाक गया। और लड़कियाँ देख रही थी भयंकर, इतना प्यारा मतलब सूट हुआ था, मैं सोच ही रहा था। आंटी लोग कैसे देख रही हैं, गजब। यही तो चाहिए, यही प्यार जो मिलता है ना गाइस। चाचा वाव, चाचा वाव 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 वाव। वाइड वाइड एंगल तो बहुत ज़्यादा सेक्सी है आईफोन 13 Pro Max का। बाकी तो मैंने टेस्ट भी ले लिया है इसको, अब चलते हैं से ऊपर। भाई दिख रहा है वहाँ से, पावर जाने मन, जाने मन में कुछ तो बात है जो और ऐसा लग करती है। चेक करो भाई, बुलेट वाला भाई तो एकदम गोली निकल गया और हम उसके पीछे से हम भी जाएंगे भाई। अब लगाऊंगा मैं बाइक यहाँ पे 13 Pro Max की टाइम आ चुका है। आजकल ये ब्लॉगिंग कर रहा है 13 Pro से। तो भाई 13 Pro Max की तो मैं टाइम ड्राइव लेके आ गया और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी यार, मतलब एक क्वालिटी होती है ना, एक अलग लेवल की, नेक्स्ट लेवल वाली क्वालिटी थी उसमें। मतलब 2K मतलब 4K वाली से भी अल्ट्रा जो होती ना, उसमें वाली क्वालिटी आ रही थी। और जो भाई दिल आ गया बता उस पर, बहुत ज़्यादा सेक्सी। और भाई और क्या बोलूँ, मतलब ना मैं जाम में फंस चुका, बहुत खज्जल हो गया इधर। मन भी नहीं कर रहा है मेरे को इधर से जाने के लिए, क्योंकि यार बाइक हीट हो जाती है ना, यानी कि सॉरी जाने मन हीट हो जाती है ना, तो फिर मेरे को मज़ा नहीं आता इसको भगाने में। तो बता मुझे गाइस, मैं तो रुका नहीं, मैं तो भाग, मैं कहाँ रुका हूँ, रुकना मैंने सीखा ही नहीं है। हम कहाँ रुके हैं, जब हमें रुकते कोई पुलिस वाले भैया लोग, यानी कि सर लोग हमें रुकते, हम रुक जाते क्योंकि गाइस हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है ना, तो हमें रुकना बहुत सही लगता है, क्योंकि रुक के और फिर वो और भी अच्छी इज्जत करते हैं, मतलब ना वो खुद कहते हैं कि आप लोग रुकते हो ना तो वो सही है, भागोगे तो फिर भाई हमारे सीन के रेट होगा ना। भागने से अच्छा रुक जाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, इज्जत से घर जाओ। बात कर, अब तुम भयंकर बदतमीजी करोगे तो भाई तो फटके तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, फटके खा लो या तो फिर भग जाओ, इससे बैठे। हम तो भाई, हमने तो एक वसूल सीखा, हम तो बहुत प्यार से रुकते हैं। तो हम तो रुकने के बाद भाई प्यार से बात करके चल देते हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, सर लोगों ने मुझे कई बार रुका और मैं इज्जत से रुक गया हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो मैं भाग के कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए मैं इज्जत से डॉक्यूमेंट चेक कराता हूँ, हम मेरे को सर लोग भेज देते हैं।